टीकमगढ़ नगर में 9 दिन तक देवी प्रतिमाओं की आकर्षक झांकियां सजाई गई थी। लोगों ने श्रद्धा पूर्वक माँ दुर्गा की 9 दिन तक आराधना की। पूरा शहर भक्ति में डूबा रहा। नवरात्रि के समापन पर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रावण दहन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को पान खिलाकर दशहरा पर्व मनाया और शुभकामनाएं दी। रावण दहन के बाद टीकमगढ़ के मुख्य मार्गों से देवी प्रतिमाओं की आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसे देखने दूर दराज से भक्तों की भीड़ लग रही थी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो शांति समिति की जो बैठक जिला कार्यालय में की गई थी, जिसमें आप सभी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, अन्य NGOs भी था, उसमें जो तय किया गया था कि निर्धारित जो स्थल है हमारे यहाँ, जहाँ आप यहाँ आए हैं विसर्जन स्थल पे, पूरी लाइटिंग व्यवस्था अच्छी है, कुंड को साफ सफाई कर दिया गया है और यहाँ पे पूरे विसर्जन के लिए 2 क्रेन्स हैं। पंडाल भी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित रूप से 4-5 लगाया गया है और यहाँ पर हमारे पास में पर्याप्त 3 बोट रखे हुए हैं और पर्याप्त तैराक भी है और हमारे एक्सपर्ट कर्मचारी भी लगे हुए हैं, जिससे कि सुविधाजनक ढंग से इसको कोविड-19 के जो मार्गदर्शन है उसी के तहत इसका जो है निर्वहन किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।